उत्तराखंड में इन दिनों चार धाम यात्रा के साथ साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा भी जोरों पर है। इस बीच आज चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर दो गाड़ियों की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे का शिकार मिनी बस के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में पंजाब के 12 यात्रियों को चोट आई है, जिन्हें पीपल कोटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर बस और मिनी बस की इस भिड़ंत का कारण मिनी बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है और इस बस में जो पंजाब के श्रद्धालु सवार थे वह हेमकुंड साहिब की यात्रा कर वापस ऋषिकेश लौट रहे थे। वहीं इस हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों की माने तो अगर मिनी बस बड़ी बस से नहीं टकराती तो सड़क के नीचे गहरी खाई में जा गिरती और इस कारण कई लोगों की जान खतरे में आ सकती थी। चारधाम यात्रा के दौरान इस वर्ष छोटी बड़ी कई सड़क घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज घटी ये घटना एक ऐसी घटना है जिसमें ड्राइवर की सूझबूझ से 12 लोगों की जान बच पाई है। बस ड्राइवर का इस पर कहना था कि मिनी बस जो हेमकुंड की तरफ से आ रही थी उसके ब्रेक फेल हो चुके थे और वह इतनी तेजी से बस की तरफ आई जबकि वहां एक एक करके गाड़ियों को निकाला जाता है, लेकिन जैसे ही उन्हें विंगर उनकी तरफ आती हुई दिखी तो वह समझ गए कि उसके ब्रेक फेल हो गए हैं और उन्होंने अपनी गाड़ी और ज्यादा पहाड़ी की ओर मोड़ ली ताकि दोनों में से कोई भी खाई में न गिरे। अगर उनकी बस नहीं होती तो यह गाड़ी खाई में जा गिरती। भाई क्या बताएं, इसकी ब्रेक फेल थी, ठीक है। जैसे मैं बस लेके यहाँ पे आया ना, वहाँ गाड़ी खड़ी थी, भाई साहब की गाड़ी खड़ी थी, अरे इतनी स्पीड में था, भयंकर स्पीड में था, वो तो मेरी बस से टकरा गया यहाँ, टकराता नहीं है तो उस बैंड से खानी खत्म थी इनकी, नई जिंदगी मिली है बंदों को, माँ कसम खा के चल रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ यार बंदा। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर जब ये हादसा हुआ तब वहाँ और भी कई लोग मौजूद थे, उसमें से एक प्रत्यक्षदर्शी से हमने बात की है। ये हम भी इधर से हेलन से आ रहे थे, गाड़ी अपने साइड में लगाई, उधर से बस आ रही थी, एक तेजी से टेम्पो ड्राइवर बहुत तेजी से आया, ड्राइवर का कहना है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और जा करके सीधा चट्टान में टकराया, अगर उधर से बस में नहीं टकराता और चट्टान में नहीं टकराता और सीधा नीचे खाई में गिरता। जी, इसमें घायलों की क्या स्थिति है और कितने लोगों पर चोट लगी है? घायलों की तो स्थिति ठीक है, कोई भी वैसा वो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चोट, 12 आदमी थे उसमें, सभी को हल्की फुल्की चोट। उत्तराखंड में रोजाना इस प्रकार के सड़क हादसे हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से अप्रैल तक यानी 2022 के शुरुआती चार महीने में ही 500 से ज्यादा सड़क हादसे सामने आए हैं, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। उत्तराखंड तक के लिए चमोली से कमल नयन की रिपोर्ट।